Hello guys, how are you? I hope you are doing well. My name is Mridul and you are watching my YouTube channel Learn English with British. It's my ever first video which I am going to show you something expression related to your feelings. कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो सुन के आपको अच्छे कुछ बुरे लगते हैं, कुछ साउंड आपको सुन के सीरियस लगते हैं. तो हम लोग एक एक करके साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहला साउंड है हमारा गुड. ये साउंड आपको अक्सर कोई हैप्पीनेस, कोई खुशी सुन के मिलता है, जैसे किसी की जॉब लग गई है, किसी की शादी तय हो गई है, या फिर किसी को फॉरेन कंट्री में वीजा मिल गया है. तो जैसे अगर आपको पता चलेगा, कल आपको कॉल आएगा कि भाई तेरी जॉब लग गई है, तो आपको सुन के खुशी होगी. आप वहाँ पे बोल सकते हैं इट साउंड्स गुड. क्या बोलना है आपको? इट साउंड्स गुड. ओके गाइस, तो ये साउंड आपको गुड लगेगा. एंड इसी तरह से अगर आपको एक दो साल जॉब करने के बाद फिर कॉल आता है कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपका प्रमोशन हो गया है, मीन्स आप आगे बढ़ गए हैं, और वो सुन के आपको और खुशी होगी, तो आप बोलोगे इट साउंड्स ग्रेट. इट साउंड्स ग्रेट. ध्यान देना है आपको, यहाँ पर आपको इट में एस नहीं लगाना है, आपको साउंड में एस लगाना है. इट साउंड्स गुड. सेकेंड वन इज इट साउंड्स ग्रेट. ओके, इसी दौरान आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी में, कल को कोई दूसरा एम्प्लॉय आपकी पोस्ट ले लेता है और आपका डिमोशन कर दिया जाता है. जब आपको पता चलता है कि आपका डिमोशन किया जा रहा है और आपको ये सुन के बहुत बुरा लगता है, तो आप बोलते हो यार इट साउंड्स बैड. क्या बोलना है आपको? इट साउंड्स बैड. ओके, इसी दौरान जो आपने अपने लिए बहुत सारा लाइक इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह ली होती हैं, या आपने कोई बाइक फाइनेंस कराई या फिर फ़ोन फाइनेंस कराया, उस दौरान अगर आप उसकी लाइक इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाते हैं, तो वहाँ पे आपसे आपकी वो चीज़ छीन ली जाती है, तो वहाँ पे आपको बहुत ही बुरा लगता है. तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं इट साउंड्स सैड. क्या बोला वहाँ पे आपको? इट साउंड्स सैड. वेल डन गाइस. सो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आप खुश रहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, अगर फिर भी आप खुश रहने की कोशिश करते हैं, लोग आपको देखते हैं क्या कमाई है तुम्हारी, आप कहते हैं ज़ीरो, तो कहता है ये ज़ीरो कमाई में कैसे खुश रह सकता है, तो ये सुन के थोड़ा सा मजाकिया लगता है. यहाँ पर बोलते हैं इट साउंड्स फनी गाइस. क्या बोलेंगे? क्या बोलना है यहाँ पर आपको? इट साउंड्स फनी. ओके गाइस, सो इसी तरह से एक और हमारा साउंड है. देखिए साउंड बहुत सारे होते हैं जिसमें गुड, ग्रेट, नाइस, हैप्पी. मैं आपको कुछ ऐसे साउंड बता रहा हूँ जो यूजली आपके साथ हैपन होते हैं. क्रेजी. सोचिए आप आज तक अपने घर में हैं, कल आपके पास नोटिस आता है कि आपको बॉम्बे बुलाया गया है और आपको शाहरुख खान के साथ मौका मिल गया है एक मूवी करने का, तो आपको ये साउंड सुन के बहुत एकदम पागलपन ऐसा लगेगा. तो वहाँ पे हम बोलोगे इट साउंड्स क्रेजी. गाइस क्या बोलेंगे? इट साउंड्स क्रेजी. वेल डन गाइस. तो जैसे आप बॉम्बे पहुँचते हैं, बॉम्बे पहुँचने के बाद आपको पता चलता है वो शाहरुख खान रियल वाला था ही नहीं, वो तो फेक शाहरुख खान था. तो आपको तो यार सुन के तो ये बहुत दुख ऐसा हो रहा है, सुन के बहुत सीरियस लग रहा है मुझको, यार मेरे साथ जोक हो गया है. तो आप बोलते हो इट साउंड्स सीरियस. क्या बोलेंगे यहाँ पर हम लोग? इट साउंड्स सीरियस. ये सारे साउंड सुन के मैंने आपको एक बार में एक्सप्लेन करिए और आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं इट साउंड्स ऑड. क्या बोलना है आपको? इट साउंड्स ऑड. ओके गाइस, सो आज तक के लिए इतना. मैं आपके लिए फिर से और वीडियोस बनाता रहूँगा. विल ट्राई टू डू अ बेस्ट, बट आपको भी आपका बेस्ट देना है. आपको हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है. प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ देना ना भूलें. आज तक के लिए इतना. थैंक यू गाइस, गुड बाय.